फैजाबाद धरना अमल दरामद नजरसानी केस में अहम पेशरफ्त, हुकूमत ने तीन रुकनी तहकीकती कमीशन कायम कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, दो रिटायर्ड साबिक आईजीज कमीशन में शामिल। काबीना ने तफसीली टीआरओस की मंजूरी भी दे दी। अटॉर्नी जनरल नोटिफिकेशन कुछ देर तक सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। सियासत में किसी का आना जाना नई बात नहीं, इल्जाम तराशी और रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मुनासिब होगा हम सब अपने गिरेबानों में झांके, जिसे अवाम वजीर आजम बनाएंगे उसे कबूल करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब, कहा बिलावल छोटे भाई की तरह उनसे अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरवान हाउस आमद, नवाब असलम रईसानी और साबिक सेनेटर लश्करी रईसानी ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत, लश्करी रईसानी ने वक्त मांग लिया। नवाज के बलोचिस्तान में कदम रखते ही बिलावल केता ने कहा, मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलोचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं, बेहतर है पंजाब पर तवज्जो करें। हम पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर बहुत तनकीद की गई, उम्मीद है वो अपने मौके पर कायम रहेंगे। विफाक और सूबे में हुकूमत और इदारों का साथ होने के बावजूद नून लीग जिमनी इलेक्शन से भागती रही थी। नून लीग को मशवरा दिया कि वो अपने बलबोते पर सियासत करें, मैं अपनी 15 माह की कारकर्दगी के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। क्या शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा भी तैयार हैं या अपना मुंह छुपा रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने इदारों के साथ नाराजगी का तासुर रद्द कर दिया, कहा यह पहला इलेक्शन होगा जिसमें पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। निगरान विफाकी काबीना की अहम बैठक आज लगेगी। निगरान वजीर आजम दौरे सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। IMF से मुजाकरात में पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती अफगान महाजरीन की वतन वापसी से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाकियात के मुहरकात पर गौर किया जाएगा। बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली के बजाय रकम देने का फैसला भी किया जाएगा। पाकिस्तान IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुजाकरात आज मुकम्मल होने का इम्कान। फरीकैन के दरमियान शराह सूद मजीद ना बढ़ाने पर इत्तेफाक। बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला। आज मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसविदा तैयार किया जाएगा। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप समेत अहम नकात को हतमी शक्ल दी जाएगी। अमारात ने भी IMF को पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी करा दी। मुजाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $71 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का आम इजलास कल तलब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर सदारत करेंगे। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क्यादत शिरकत करेगी। तमाम वज़रा आला और विफाक के वज़रा भी शरीक होंगे। इजलास में सरमायाकारी से मुतलिक अमूर का जायजा लिया जाएगा।